गोगा जी महाराज का नाम न लिया जाए तो यह अधूरी प्रतीत होती है। यह कथा न केवल उनके अद्वितीय पराक्रम की झलक देती है बल्कि यह भी दर्शाती है कि किस प्रकार उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। गोगा जी महाराज की कथा इतिहास और लोक गाथाओं के बीच एक सेतु है जो धर्म, प्रेम और त्याग से भरी हुई है। ददर रेवा में लौटने पर गोगा जी ने अपने राज्य का भार स्वीकार किया, परंतु उनके चचेरे भाई अर्जन और सर्जन, जो सत्ता की लालसा में अंधे थे, हमेशा गोगा जी के लिए षड्यंत्र रचने की ताक में रहते। एक रात जब गोगा जी गहरी निद्रा में थे, उन्होंने एक विचित्र स्वप्न देखा। उन्होंने दो महिलाओं को इराक के बगदाद में कैद देखा। वहीं एक क्रूर अरबी शासक ने गायों को बंदी बनाकर उनकी बलि की योजना बनाई थी। गायें भय और भूख से तड़प कर गोगा जी को पुकार रही थी। नींद खुलते ही गोगा जी ने अपनी माता बांछल से स्वप्न का वर्णन किया। माता ने कांपते हुए बताया कि वे स्त्रियां उनकी मौसियां थीं, जिन्हें बचपन में अरबी आक्रमणकारियों ने उठा लिया था। यह सुनकर गोगा जी ने गौ माता और अपनी मौसियों को मुक्त कराने का प्रण लिया। माता बांछल ने पुत्र मोह के कारण पहले उन्हें रोकने की चेष्टा की, परंतु गोगा जी के दृढ़ निश्चय के सामने झुक गईं और विजय तिलक कर आशीर्वाद दिया। गोगा जी अपने दिव्य नीले घोड़े पर सवार होकर बगदाद पहुंचे और अरबी शासक को युद्ध के लिए ललकारा। अरबी शासक गोगा जी को अकेला देखकर उपहास करता रहा। उसने अपनी सेना भेजी, परंतु गोगा जी ने अकेले ही शत्रु सेना का संहार कर दिया। भूमि रक्त से लाल हो गई। देख, गौमाता ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। भगवान ने रणचंडी माता काली का आह्वान किया। स्वयं महाकाली गोगा जी को आशीर्वाद देने रणभूमि में प्रकट हुई। गोगा जी ने अपनी असीम शक्तियों और माता काली के आशीर्वाद से शत्रु को परास्त कर दिया। अंततः गोगा जी ने अरबी शासक का वध कर गायों और अपनी मौसियों को मुक्त कराया। दरेवा लौटते समय गोगा जी तंदू नगरी पहुंचे। राजकुमारी सीरियल से उनका प्रथम मिलन हुआ। नीले घोड़े की खोज करते हुए गोगा जी शाही बाग में पहुंचे। राजकुमारी अपनी सखियों के संग विचरण कर रही थी। दोनों की नजरें मिलते ही उन्हें पूर्व जन्म का संबंध स्मरण हो आया। गुरु गोरखनाथ की भविष्यवाणी के अनुसार राजकुमारी सीरियल का विवाह गोगा जी से होना निश्चित था, परंतु राजकुमारी के पिता राजा सिंधा तंवर चौहान वंश को शत्रु मानते थे। गोगा जी ने राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु राजकुमारी के पिता के अनुमोदन की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। स्वरूप उन्होंने राजकुमारी को अपनी अंगूठी भेंट की और रेवा लौट गए। सिंधा ने जब चौहान वंश से सगाई का समाचार सुना तो क्रोध फूट पड़ा। उन्होंने सगाई तोड़ने का आदेश दिया। तक्षक नाग, जो गोगा जी से ईर्ष्या करता था, राजकुमारी पर हमला करने तंदू नगरी पहुंचा। उसने कुमारी को दस लिया, जिससे वह मूर्छित हो गई। राजा ने घोषणा की कि जो भी राजकुमारी को स्वस्थ करेगा वही उनका पति होगा। इस घोषणा समय गोगा जी तंदू नगरी पहुंचे। उन्होंने समन यज्ञ प्रारंभ किया, जिससे तक्षक नाग भयभीत होकर उनके चरणों में गिर पड़ा। गोगा जी ने उसे क्षमा करते हुए राजकुमारी का विष सोखने का आदेश दिया। तक्षक ने विष निकालकर राजकुमारी को पुनः स्वस्थ किया। राजकुमारी के स्वस्थ होते ही राजा सिंधा को अपनी भूल का आभास हुआ। गोगा जी गुरु गोरखनाथ के साथ बारात लेकर तंदू नगरी पहुंचे, परंतु राजा सिंधा के आमंत्रण पर आई आमेर की बारात ने चौहान वंश से संघर्ष छेड़ दिया। गोगा जी ने अपनी वीरता से आमेर के राजा तारा सिंह को पराजित किया। गुरु गोरखनाथ के हस्तक्षेप से तारा सिंह को जीवनदान दिया गया। अंततः राजकुमारी सीरियल का विवाह गोगा जी से संपन्न हुआ। गोगा जी राजकुमारी को अपनी रानी बनाकर ददरेवा लौटे। गोगा जी के प्रति तक्षक नाग की भक्ति ने उन्हें सांपों के देवता का सम्मान दिलाया। यह मान्यता बनी कि गोगा जी का स्मरण करने से सर्प दंश का प्रभाव समाप्त हो जाता है। भादवा माह में उनके जन्मोत्सव पर विशाल मेले का आयोजन होता है, जहां भक्त गोगा जी की पावन मिट्टी लेकर जाते हैं। जाहिरवीर गोगा जी महाराज की यह गाथा धर्म, साहस और आदर्शों का प्रतीक है। उनकी वीरता, त्याग और गौ माता के प्रति भक्ति उन्हें अमर बना देती है। ऐसी गाथाएं न केवल प्रेरणा देती हैं, बल्कि हमें अपने कर्तव्यों का बोध भी कराती हैं। जय जाहर वीर गोगा जी महाराज।